हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन भारत में महंगाई आम जनता से ज्यादा एक खास राजनीतिक वर्ग को परेशान करती है, जो अपने आलिशान बंगलों में एसी कमरों में बैठकर महंगाई पर चर्चा करते हैं और सड़कों पर लाइट कैमरा एक्शन वाली राजनीति चमकाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और महंगाई क्या होती है ये देखने के लिए पाकिस्तान का एक टूर कर लेना चाहिए। वैसे हमारे देश में पाकिस्तान के प्रशंसकों की भी एक पूरी जमात है जो मोदी विरोध के नाम पर पाकिस्तान के शान में कसीदे भी पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं केटी जलील, जो केरल के पूर्व मंत्री हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। वो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। केटी जलील ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर बताया है। केटी जलील ने पाकिस्तान की लाइन लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को भी गलत बताया है। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर बताते हुए कहा है कि ये क्षेत्र पाकिस्तान सरकार से प्रभावित नहीं था, पाकिस्तान ने सिर्फ पीओके की मुद्रा और सैन्य सहायता को अपने हाथ में लिया, आजाद कश्मीर की अपनी सेना थी। उन्होंने यह भी लिखा है कि कश्मीर ने अपनी खूबसूरती खो दी है, जिधर देखो केवल सेना दिखाई देती है, कश्मीर मुस्कुराना भूल गया है, सभी राजनेता नजरबंद है। केटी जलील अपनी पोस्ट में सवाल उठा रहे हैं कि जिस मकसद के लिए धारा 370 को निरस्त किया गया था क्या वो पूरा हुआ। पीओके पर भारत के स्टैंड पर सवाल उठाने वाले केटी जलील से अब हम कुछ आसान सा सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो कभी पीओके गए हैं? उन्हें क्यों लगता है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं है? उन्हें पीओके के बारे में कोई ज्ञान है भी या नहीं? केटी जलील असल में पीओके पर पाकिस्तान की सरकार और सेना की जातियों पर पर्दा डाल रहे हैं, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ पीओके अवैध तौर पर कब्जे में किया हुआ है बल्कि उसका एक हिस्सा चीन को भी दे रखा है। पीओके पर पाकिस्तान की पैरवी कर रहे केटी जलील की आंखें खोलने के लिए अब हम एक वीडियो भी दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले उसी कश्मीर का है जिसे केटी जलील आजाद कश्मीर बता रहे हैं। वहां के लोगों को पाकिस्तान ने कितनी आजादी दी हुई है ये आप खुद देख सकते हैं। बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश हमारी कश्मीर में आकर दहशतगर्द है। यहाँ की पुलिस इनके साथ मिली हुई है, निशान खा के इसराइली है, इसराइली है। कभी जाना चाहते हैं गुंडे बदमाशों को उठा के लेके आए उस कैंप में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं के साथ उन्होंने ऐसी ज्यादती की है। हमारी रियासत से पाकिस्तान की खून खुआर एजेंसियां वापस नहीं जाती जब तक यहां से लूट लूट का बाजार खत्म नहीं होता, उस वक्त तक आप अपनी जिदोजहद जारी रखोगे। तो पाकिस्तान में आजादी के नारे लगा रहे ये लोग पाकिस्तानी फौज का विरोध कर रहे हैं और जिस पर पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं। हाल ही में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की थी जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार से भी परेशान है। पीओके की ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि वहां पाकिस्तान की सरकार से लोग कितने नाखुश हैं और अब वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके को बंधक बनाने के लिए अब एक नई चाल चली है। पाकिस्तान पीओके को अब पूरी तरह अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने पीओके को पांचवां प्रांत बनाने के लिए संविधान में संशोधन की तैयारी की हुई है, जिसके खिलाफ पीओके में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। सच ये है कि केटी जलील जैसे लोगों की आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का इतना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है कि उसे पाकिस्तान के गुलाम बने पीओके की असलियत दिखाई ही नहीं देती।